हाय गुड इवनिंग, मैं हूं मेघना। लोकमत हिंदी न्यूज के फिल्मी चुस्की में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं मनोरंजन की खबर पर एक नजर। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2018 के नाम हुए घोषित, जहां श्रीदेवी को मॉम के लिए, वहीं विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। श्रीदेवी के निधन की वजह से पूरा फिल्म जगत सदमे में चला गया था। हर कोई उनकी असमय मृत्यु से हैरान था। ऐसे में श्रीदेवी ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जो आज उनके फैंस के लिए एक बेहद खुशी देने वाली बात है। निधन के बाद श्रीदेवी को उनकी आखिरी लीड रोल की फिल्म मॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। यह उनका पहला नेशनल अवार्ड है। इस फिल्म में श्रीदेवी के काम की जमकर सराहना की गई थी। जहां विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है, तो वहीं स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बाहुबली 2 को भी सम्मानित किया गया है। आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई है वरुण धवन की फिल्म अक्टूबर। दर्शकों की मिल रही है सराहना। विकी डोनर, मद्रास कैफे और पीकू जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सुजीत सरकार की फिल्म है अक्टूबर। अपनी पिछली फिल्मों की तरह सुजीत सरकार आपको अपनी इस फिल्म के जरिए एक अलग और एक नई कहानी से रूबरू करवाते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप इस फिल्म का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। वरुण इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से आपको हंसाते भी हैं और रुलाते भी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lokmatnews.in पे जाइए और पढ़िए फिल्म का पूरा रिव्यू। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का 16 साल का हुआ फिल्मी सफर। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी जमाए अपने कदम। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय का दम दिखाने वाली बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज उस मुकाम पर है जिसे पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा को महज 16 साल हुए हैं और इतने कम वक्त में उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपना नाम कमाया है। अपने दमदार और संजीदा अभिनय से प्रियंका ने कई नामी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिसमें फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड शामिल है। प्रियंका को साल 2016 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने सलमान खान को बताया अपराधी, लिस्ट में 39वें नंबर पे आया उनका नाम। अभिनेता सलमान खान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की वेबसाइट की लिस्ट में सलमान खान का नाम सामने आया है। खबर के मुताबिक सलमान का नाम 39वें अपराधी के रूप में दर्ज किया गया है। जारी की गई लिस्ट में उनको रखा गया है जो संरक्षित जीवों के शिकार, तस्करी या उनसे जुड़े अन्य अपराध में लिप्त हैं। सलमान खान काले हिरण मामले में दोषी पाए गए हैं। इस मामले में सलमान को 5 अप्रैल को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के विवाद पर गुत्थी का आया बयान, दे डाली उन्हें ये सलाह। कॉमेडियन कपिल शर्मा अब तक के अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बीते साल जहां टीम के साथ लड़ाई को लेकर कपिल लाइमलाइट में थे, वहीं अब अभद्र भाषा में ट्वीट करने और पत्रकार को फोन पर गालियां देने को लेकर चर्चा में है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कपिल के हेल्थ पर सुनील ग्रोवर का कहना है कि मैं चाहता हूं कि कपिल शर्मा जल्दी ठीक होकर वापस आ जाए। सुनील ने यह भी कहा कि कपिल के परिवार को उनकी अच्छी तरह से देखरेख करनी चाहिए। बॉलीवुड की ऐसी चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकमत न्यूज.इन से। तब तक मैं लेती हूं आपसे विदा।